सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकती हैं, और जब तक यह आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। रिश्तों को हमेशा इज्जत और सम्मान देना, क्योंकि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं इज्जत ना देने से आती है। हम तो खुशियाँ उधार देने का कारोबार करते हैं दोस्तों, पर कोई वक्त पे लौटाता ही नहीं, इसीलिए घाटे में है। आज का पंचांग 19 जून 2023 दिन सोमवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:25 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 8:10 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:14 से 8:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:53 से 12:47 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मिथुन राशि पर ही रहेंगी। सिंह राशि 19 जून 2023 दिन सोमवार, आज आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़े। घर के सुधार का कोई कार्यक्रम बन सकता है या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकती हैं। अनुकूल ग्रह स्थिति बन रही है। सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी कई परेशानियों को हल करेगा। युवाओं द्वारा किया गया कोई सामाजिक कार्य तारीफ के काबिल होगा। मित्र तथा संबंधियों के साथ मनोरंजन प्रोग्राम भी बनेंगे जिससे मन भर की तनावपूर्ण दिनचर्या से राहत मिलेगी। लोगों के आलोचनाओं से विश्वास कम हो सकता है। जो बातें सही नहीं है उनका विचार न करें और अवसरों पर ध्यान देने की कोशिश करें। जो अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं उनके जरिए नए लोगों के साथ परिचय हो सकता है। इस कारण जीवन शैली में बदलाव होगा। अभी तक जो नकारात्मक अनुभव हो रहे हैं उनका प्रभाव दूर हो सकता है। कला तथा लेखन से जुड़े लोगों को काम की गति धीमी रहेगी। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें। पार्टनर के द्वारा छुपाई गई बातें सामने आने से परेशानियां बढ़ सकती है। यूरिस संबंधित दिक्कतें नजरअंदाज न करें। सावधानियां, व्यर्थ के वाद विवादों से खुद को दूर रखें। व्यक्तिगत मामलों को लेकर किसी भी तरह के लापरवाही ना बरतें। कोई सरकारी मामला चल रहा है तो उलझ सकता है। किसी भी मुद्दे पर बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें। आय की स्थिति सामान्य ही रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा तथा सभी सदस्य आपसे सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। प्रेम प्रसंग खुशनुमा रहेगा। आपका बेहतरीन रहन सहन काफी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन उनमें से अधिकतर काफी चालाक हैं और आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं। ऐसे समय में केवल सकारात्मकता पर फोकस करें कि आप अकेले नहीं हैं। नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दें कि आप अकेले हैं या तो बस शुरुआत है और अभी आपको बहुत से चाहने वाले मिलेंगे। बात करते हैं करियर की। एक परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आने का संकेत दे रहा है। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं या अपने कार्यालय में एक से दूसरे विभाग में आपका स्थानांतरण हो सकता है। एक ऐसी स्थिति होगी जिसको आप पसंद करेंगे और इन संभावनाओं का आप लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे, इसलिए आपको इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने की जरूरत है ताकि आपका करियर उचित दिशा में चलता रहे। कारोबार में रुकावट भी रहेगी, इस कारण सोचा हुआ फायदा भी नहीं मिल पाएगा। विस्तार संबंधित योजनाओं पर अभी और विचार विमर्श करने की जरूरत है। साथ ही अपनी कार्य प्रणाली में भी कुछ बदलाव लाएं। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। बात करते हैं सेहत की। मौसम का प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, परंतु थोड़ी सी सावधानी और व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ और ऊर्जावान रखेगी। इस समय आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं,
ये अच्छा विचार है। योग और दौड़ भाग के नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरे शारीरिक एक्सरसाइजें भी जारी रखें। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभल कर योजना बनाएं। जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।